अपनी बेटी की मौत से मां उसके गम के तनाव में थी। परेशान मां ने जहर खा लिया। महिला का पति उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के कैट रोड पर रहने वाली सुनीता नामक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की बेटी की मौत 7 साल पहले बीमारी के चलते हो गई थी, जिसके बाद से मृतका सुनीता तनाव में रहती थी और आखिरकार उसने अपने जीवन लीला को खत्म कर लिया। मृतका के पति ने बेटी की मौत के वियोग में आकर ही आत्महत्या करने की बात कही है। मैं कल मेरे भैया के यहाँ गया था, यहाँ से आया सामान लेके, राशन का लेके, दूध वगैरह लिया, बच्चे का फोन आया तो बोले मम्मी ने दवाई खा ली, तो बोले फटाफट आ जाओ। मैं घर आया, उसको नमक का पानी पिलाया, उल्टी उल्टी भी कराई, उल्टी कराई, उसके बाद में 108 आई। मैं यहाँ अपना जिला अस्पताल लेके आया, आधा एक घंटा वहाँ हो गया, जिला अस्पताल पार हुआ है और MBI में लाया, तो दम तोड़ दिया उसने। क्या नाम था? सुनीता। ये मजदूरी करते हैं, रहने वाले ये कुक्षी के हैं, मजदूरी करने या केट रोड पे रहते हैं। तो इसकी लड़की 6 साल की थी, बीमारी के कारण शांत हो गई थी, उसी के टेंशन में, इस टेंशन में आके इसने अज्ञात पाइजन खा लिया। मौत हो गई। बच्चे का मौत हुई थी? इसकी मौत हुई है, MBI में लाए थे, पति लाया था इलाज के लिए, तो इलाज के दौरान मौत हो गई। बेटी की कब हुई थी बीमारी? 6 साल पहले, जब से तनाव में रहती थी। हाँ, जब से केट रोड पे रहती थी।